नमस्कार, मैं वर्षा जायसवाल। आप देख रहे 24 आवर टुडे न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शाकिर अली अंसारी के आवास पर हुई सभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शाकिर अली अंसारी को बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। इस अवसर पर शाकिर अली अंसारी ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 का वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत सदस्य संभावित प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ता को बे हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में सभी समाज के लोगों का सम्मान किया जाता है, उसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान करता हूं। उन्होंने आगे कहा, वार्ड नंबर 36 के जो अधूरे कार्य हैं उनको जिला पंचायत प्रत्याशी बनाने के बाद अवश्य पूरा किया जाएगा। जहां शिक्षा का अभाव है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर संभव शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। वहां पर कुछ मौजूद कार्यकर्ता व जनता ने शाकिर अली अंसारी की प्रशंसा की और कहा कि क्षेत्र में मात्र एक ही ऐसा समाज सेवक है जो जनता के हर समय काम आता है। अब की बार सभी क्षेत्र की जनता ऐसे ही शख्स को चुनना चाहती है जिनका नाम शाकिर अली अंसारी के रूप में आता है। मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, लेकिन शाकिर भाई हमारे बहुत बढ़िया नेता हैं। जब कुछ भी ना है तब भी बहुत काम कराते हैं और काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, इनके लिए हर टाइम जान देना तैयार रखते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके इनके सीट बहुत बढ़िया वोट से कामयाब होगा। किस तरह का रुझान है इनका क्षेत्र में? बहुत बढ़िया रुझान है इनका। पूरा क्षेत्र जहाँ भी जाओ, किसी भी गाँव में, इनके हर कोने से आवाज़ निकल रही है। शाकिर भाई मेरा नाम है। ऐसा तो नहीं कि जैसे और जिला पंचायत जीत के चले जाते वापस लौट नहीं आते, ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए हमारी पिछली 5 साल में हमने वोट दिए थे नासिर सैफी को, वो जीत के दिल्ली पहुंच गए। अब उन्हें चिराग लेकर हमने समय ढूंढा, वो कहीं हाथ नहीं आए। इंशाल्लाह आपका हमने वो प्रत्याशी निकाला है जो हमारे बीच में रहे, आधी रात काम करावे, ऐसे भी करावे और वैसे भी करावे, इनसे हम काम कराएंगे। इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद जनता बीच रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, देखिए ये शाकिर भाई नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। दुनिया के लिए शाकिर भाई हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे सरपरस्त हैं, मेरे बड़े भाई। और इंशाल्लाह हम इन्हें हर हालत में इंशाल्लाह इन्हें जिता के लाएंगे, क्योंकि हमें इन पर पूरी उम्मीद है कि हमारी उम्मीद पर खड़े होते। अच्छा, आप लोग जो गाँव में गाँव जाते हैं और जनता से प्रचार करते हैं, वो किस अभाव पर अलग से लड़ रहे हैं? हम इस अभाव पर लड़ रहे हैं कि आप एक बार जरा शाकिर भाई को जिताइए और उसके बाद में इन्हें बढ़ती है। जैसे भी शाकिर भाई अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, इनके बारे में क्या विचार है? इनके बारे में तो विचार है, इन्हें तो मैदान में ला रहे हैं, हम अपनी तरफ से ही चुनाव में ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से बेचारे हमारे गाँव की सेवा भी कर रहे हैं और आदमी भी बढ़िया है हमारे। अच्छा, जनता के क्या विचार हैं इनके बारे में? जनता के तो काम रात दिन यही कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कौन सा मंत्री आ रहा है, इनके अलावा कोई भी काम ना कर रहे हैं, सब यही उठा रहे हैं जितना भी काम। अच्छा, बहुत आबेरा सवेरा के जो भी काम है, इनके अलावा कोई दूसरा है ही ना यहाँ। का ये जो मेन रास्ता है, ये सर, बारिश के समय मतलब ज्यादा यहाँ कीचड़ हो जाती है, लबलब हो जाता है, आज तक कभी नहीं सुना। भैया मेरे ख्याल से 27-28 साल मुझे भी हो गए जी, आगे खोलो हुए जी, मैंने तो ऐसी देखा है। शायद हमारे शाकिर चाचा ऐसे कर सके जी, जो इस सिरसमा की सरजमी की जो है सुरक्षा अच्छी हो जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम शाकिर अली शाकिर जी, सिरसमा गोड़ का निवासी हूँ जी, और वार्ड 36 से जी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, अब इस समय आप बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है इस पार्टी में आने का? बहुजन समाज पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया है और बहुजन समाज पार्टी के ही सिंपल में मैं चुनाव लड़ूंगा जी जिला पंचायत। अच्छा, जैसे बहुजन समाज पार्टी गरीबों की मसीहा कही जाती है, उनकी सहायता करती रही है, क्या आप अगर जनता ने आपको चुना तो आप इसी तरह से उनकी सहायता करोगे? जो हमारे माननीय मायावती पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश जो आदेश होंगे उसी के आधार पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। आपका जो वार्ड आता है, कौन सा वार्ड लगता है? ये वार्ड 36 है हमारा जी, और इसमें पहले हमारा ये गांव अपना नहीं लगता था, चुनाव तो हम पहले से ही लड़ रहे थे जी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा अपना सिरसमा दुराया, सिरसमा गोड़, ये सिरसमा घोसियान, ये सब वार्ड 36 में लग चुका है। हमें बहुत बड़ी खुशी है और इसकी मैं अपने वार्ड 36 के जितने लोग हमें चुनाव लड़ा रहे हैं सबको इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो
तो 101% हम जीत रहे हैं। अच्छा सर, जीतने के बाद में आप जनता की किस तरह से सेवा करेंगे? जैसे कि नाली हैं, खरंजे हैं, आरसीसी के रोड हैं, जो भी काम होते हैं और जो काम आएंगे ऊपर से, हमें जो है मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो भी काम आगा हम विकास करेंगे और विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जैसे देखने में आता है कि जनता शिकायतें करती हैं कि चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद में कोई नहीं लौटता। नहीं, हम तो जब जिला पंचायत जीते हुए नहीं थे, तब भी हम जनता के बीच में रहे हैं और लोगों के काम कराते रहे हैं और कराते रहेंगे, और आज भी करा रहे हैं, कल को भी कराएंगे। अच्छा, देखने में आया है कि कुछ अभी शिक्षा का अभाव है इस क्षेत्र में, क्या आपका जो शिक्षा पे कितना जोर रहेगा? शिक्षा पे तो सबसे पहले जोर रहेगा, अगर शिक्षा होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, या शिक्षा ही नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। जी, और किसान पहला काम है। जी जी, किसानों के लिए आप क्या कहें? किसानों के लिए तो हम किसानों के तो हित में लड़ाई लड़ी रहे हैं जी, और करीब 55 दिन हो गए। किसान हमारा सारा दिल्ली पे क्या नाम है, लाखों की तादाद में बैठा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार से वार्ता ही चल रही है, आज की वार्ता थी लेकिन कल के लिए सरकार ने बोल लगाया, कल सरकार से किसान हमारे बात करेंगे। जो हमारे किसान के संगठन मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसानों के, वो हमारे सरकार से कल बात करेंगे। इसके लिए सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ अपने, बहुत 26 जनवरी आ रही है, इसके लिए भी सबको क्या नाम है, खुशी की लहर है और हर आदमी पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर 26 जनवरी में बहुत खुशियाँ मनाएगा और मनाता चला आया है पहले से। अच्छा, इस समय किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, आप किसान के बारे में क्या कहेंगे? किसान के लिए हक की बात, हम भी किसान हैं और किसान के हक की बात कर रहे हैं। सरकार से हमारी 55 दिन हमारा क्या नाम है, किसान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और किसानों के मसीहा हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं और मांग मनवाकर ही रहेंगे। अच्छा, जो वहाँ किसान बैठे हैं, जब तक निर्णय नहीं निकल जाता वो वहाँ से हटने वाले नहीं हैं? जब तक हटेंगे ही नहीं किसान वहाँ से। अच्छा, ठीक ठीक।